बसपा की नींव रखने वाले पार्टी संस्थापक काशीराम की आज 12वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने अपना पूरा जीवन अछूतों और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। सूबे का एससी एसटी वर्ग उन्हें काफी मानता है, इसलिए अब मायावती ने उनके सहारे फिर से पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। मायावती ने प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम कर लोगों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती का सिक्का चलता था, लेकिन धीरे धीरे हाथी की ताकत कमजोर होती चली गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा का सूपड़ा ही साफ हो गया, लोकसभा में मायावती का एक भी सांसद नहीं पहुंचा। वहीं 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी का प्रदर्शन खराब रहा, पार्टी महज 19 सीटों पर आकर सिमट गई। 4 बार सीएम रहने के बावजूद मायावती अपने वोट बैंक में सेंधमारी से बीजेपी को नहीं रोक सकी, लेकिन इस बार मायावती ने ठान ली है कि वो अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से वापस बसपा के खाते में लाकर रहेंगी। और इसकी शुरुआत वो 1984 में बसपा की नींव रखने वाले पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि से कर रही हैं। आज काशीराम की 12वीं पुण्यतिथि के मौके पर एससी एसटी को रिझाने के लिए प्रदेश के सभी 18 मंडलों में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रत्येक जोनल कोऑर्डिनेटर को अपने मंडल से 20 से 25,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में बसपा कार्यक्रम करके पार्टी संस्थापक काशीराम का गुणगान करेगी। माना जा रहा है कि काशीराम के सहारे मायावती एक बार फिर सूबे में हाथी को फिर से खड़ा करेंगी। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में पार्टी थोड़ी मजबूत हुई है, लेकिन सूबे में फिर धाक जमाने के लिए मायावती को एससी एसटी वोट बैंक को वापस लाना होगा। उत्तर प्रदेश में करीब 20.7% दलित आबादी है और 14 लोकसभा 86 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 14 आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मायावती बीजेपी को मौका नहीं देना चाहती, इसलिए उन्होंने अब काशीराम का सहारा लिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।